एक्समैन देखा किसी ने? मैंने आधा एपिसोड देखा, आधा तीसरे एपिसोड में कुछ कांड हुआ मैंने सुना। हाँ नहीं, तीसरा एपिसोड अच्छा बना उन्होंने, मस्त मस्त किया उन्होंने। ओके okay. उसकी स्टोरी का कंटिन्यूएशन है ना, मतलब वो जो खत्म हुई थी काय पे खत्म हुई थी आई थिंक। देखो इसके पहले पहले एपिसोड में प्रोफेसर एक्स मर चुका है पहले सीन में ही, वो पिछले उसमें मर गया तो वो कंटिन्यूएशन। मेरे को भी वही देख के अंदाजा आया कि शायद कंटिन्यूएशन होगा, क्योंकि वो कुछ बोलते भी हैं कि लास्ट टाइम तुमने मिलके उसको रोका हुआ था, ऐसा डायलॉग बोला। तो लेकिन यार पता है मुझको बहुत अच्छा लगता है ये सीरियसनेस, आपको पसंद आती है और तीसरे एपिसोड आते आते आप पूरे मूड में आ जाते हो कि आप बताओ कहानी, एक्चुअल कहानी है इसमें, ठीक है, म्यूटेंट्स की लाइफ वाइफ को लेकर, उनके राइट्स वाइट्स को लेकर, अच्छा लगता है। उसी के साथ साथ मैं इनविंसिबल भी फॉलो कर रहा हूं, मैं उसमें देख रहा हूँ कि वुल्वरीन इतना बुढ़ा क्यों लग रहा है, ठीक है। तो मेरे को फिर आरजी ने बताया कि वो एक्चुअल कॉमिक्स में उसकी हाइट छोटी है और वो ऐसा थोड़ा ब्रॉड है। बॉडी तो उसकी भी है कॉमिक बुक्स में भी, बट उसके हाथ वाथ पे बाल रहते हैं, हाइट छोटी रहती है, वो एकदम अजीब होता है ना वो, वैसे फिजिक अलग ही था। मैं पर ये क्या हो गया वुल्वरीन को, वही वुल्वरीन है भाई यार, ये वही वुल्वरीन, ये वुल्वरीन इधर अलग ही चूत के चक्कर में पड़ा हुआ है जीन ग्रे के भाई वो, और पता है वही कॉमिक बुक्स में रहता है उसका, वही स्टोरी आर्क है उसका। इसमें जैसे ही जीन ग्रे आई मैं बोला ओ ओ बेचारा वुल्वरीन अब क्या करेगा। तुम देखो ना ट्विस्ट अच्छा है, ट्विस्ट बहुत अच्छा है, ठीक ना, उम्मीद। ओ ओ मैं समझ गया अगर मैं एक सेकंड, मैंने कॉमिक बंदूक किसी और का निशाना किसी और का, नहीं 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 नहीं, मैडलिन प्रायर मैं कुछ कंफर्म नहीं करूंगा, तुम देखो ना, मैं कुछ कंफर्म नहीं करता। मैं समझ गया तुम किस ट्विस्ट की बात कर रहे हो। ओ भाई यार, लेकिन अबे लेकिन क्या, अबे क्या क्या सेक्सी लगती है, मैं क्या साइक्लोप्स यार, मैं बताऊं वुल्वरीन यार, मतलब नहीं तुम समझ, वो मैं रिवील नहीं कर रहा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए रिवीलेशन नहीं है, पर वो एक्चुअली बहुत अच्छा ट्विस्ट थर्ड एपिसोड में। क्या वो लोग बोलते हैं ना टॉक्सिक औरतों से दूर रहा करो, लेकिन उस मैं बर्बाद होना चाहता हूं भाई, ले तुम देख भाई भाई, मैं बर्बाद होना चाहता हूं। वो लगता है कि अच्छा अब थोड़ा थोड़ा कॉमिक एक्यूरेट हो रहा है, अच्छा अब अच्छा लग रहा है, मजा आती है देख के। नहीं वो अगर उन लोगों ने सही पुल ऑफ किया है अच्छा लगा, तो फिर मतलब बड़ा बता बता वो बड़ा थोड़ा सा एमसीयू के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जाता है ये, मतलब कि यार इतना ये चीज तो बहुत ज्यादा हो गई है, गेटिंग सीरियस है, गेटिंग सीरियस और कंसिस्टेंट है ना। एक्समैन का जो पुराना शो था ना वो भी काफी अच्छा था, मतलब अगर नहीं वो नहीं मैं मेरा पन था कि पिछले दो साल से अपन देख रहे कि मार्वल फाइनली गेटिंग सीरियस नाउ। नहीं नहीं ये एक्चुअली होगा सीरियस, क्योंकि वो वाला शो जो था ना वो भी काफी मैच्योर लेवल पे बात करता था, तो वो उसको बोलते कार्टून थे लेकिन वो अच्छा मैच्योर कार्टून था। बेचारा वुल्वरीन हर बात रहता है कि बस हो गया, उसकी आवाज भी बहुत वो है, अलग है, ठीक ना, तुम देखोगे ना उसकी आवाज भी बहुत डिफरेंट। जीन ग्रे बता उसको साइड चिक बना के रखी हुई है वुल्वरीन को, ठीक है, क्या तुम्हें पता था मेरे बारे में, तुम जानते तुम्हें परवाह थी, ठीक ना, फिर बाद में उधर वो आ जाता है काना, ठीक ना, चश्मा लगा के कह रहे ये जाग गई, ठीक है, मतलब वुल्वरीन की हालत डेंजी जैसी है, माकिमा जैसे गले में पट्टा बांध के से चला रही है ना चार, नहीं चार मतलब वो ऐसा नहीं है, वुल्वरीन रगड़ देता है, ऐसी बात नहीं है लोगों को, ठीक ना, लेकिन उसका जो होता है ना आपका पसंदीदा औरत वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन वो जो पसंदीदा औरत वाला कॉन्सेप्ट है उसका ना, तो वो जीन है, रगड़ देता है। ये तो मतलब बाजार में और भी बहुत सारे सेब मिलते हैं, लेकिन मेरी फेवरेट ब्रांड का तो यही है, तो मैं दूसरे भी लेता हूँ उसके साथ, वो अपने बच्चों के सपने देखता है ना, अच्छा हाँ
खैर अभी तो अब ऐसा ट्विस्ट दे ही दिया उन्होंने तो who knows what. अच्छी बात है कि उन्होंने एक एक घंटे का एक एपिसोड बनाया हुआ है और पूरा फुल माहौल में चलता है यार. मैं देखूंगा भाई ये तो लेटेस्ट लेटेस्ट एपिसोड में ये स्पॉइलर नहीं है वो एनिमेशन को लेकर उन्होंने एक पन ऐड किया हुआ है कि मतलब एनिमेशन कॉमिक कॉन कन्वेंशन होता है तो उसमें बताते हैं कि अरे एनिमेशन में टाइम लगता है बनाने में ठीक है और कैसे कैसे हमें कभी कभी कैरेक्टर्स का मुंह छुपाना पड़ता है कि यहाँ पे हम एनिमेशन काट सके ताकि हमें आगे अच्छा एनिमेशन आपको दे सके. कभी वाइड शॉट ऊपर से दे देते हैं कि यहाँ एनिमेशन बचा दे तो आगे दे दे तो काफ़ी ऐसे अपनी काफ़ी मेटा हो गया वहाँ पे. वो फिर कहते वो काम हुआ कहते चल भाई ठीक है अपना मेन कहानी दिखा लो तू ठीक है. लेकिन जब मेन कहानी मस्त जाती है यार मस्त.